तो तबीयत खराब थी अब, थोड़ा सा लेट हुआ, एंट्री करना बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक फंस गई थी इसलिए लेट हो गई थी, बस 5 मिनट पहले लेट हुए, गेट नहीं खोल रहे हैं। सेंटर अगर इतना इंटीरियर में आपने रखा है तो कोई बंदा अगर बाहर से आ रहा है आपका लोकेशन ट्रेस करने में तो उसे भी टाइम लग जाना है। मैं आरा से आ रही हूँ जी, वही ट्रैफिक, ट्रक वगैरह वही ट्रैफिक से 10:30 बजे का निकला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। आज 68वीं BPSC का प्रारंभिक परीक्षा है और अभी हम पहुँच चुके हैं पटना के BD कॉलेज में और यहाँ पे देखिए जिस तरह से छात्रों जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। क्या हुआ कि आपको एग्जाम के अंदर नहीं जाने दिया, सेंटर में क्यों नहीं जाने दिया, क्या हुआ था? क्या हुआ था मैडम, आपको एंट्री क्यों नहीं हुई? मैडम आपको एंट्री क्यों नहीं हुई? ट्रैफिक जाम था, मेरी तो तबीयत खराब थी, अब दूसरे से पूछना। थोड़ा सा लेट हुआ, एंट्री करना बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक फंस गई थी इसलिए लेट हो गई थी, बस 5 मिनट पहले लेट हुए, गेट नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, मतलब 11:05 बजे गेट बंद हो गई थी। हाँ, बंद हो गया था, 11 बजे ही बंद हो गया था, लेकिन 5 मिनट यहीं से आ रहे थे, बोरिंग रोड से आ रहे थे और लेट हो गया, ट्रैफिक में फंसे हुए थे। क्या बोल रहे मैडम? सेंटर अगर इतना इंटीरियर में आपने रखा है तो कोई बंदा अगर बाहर से आ रहा है आपका लोकेशन ट्रेस करने में तो उसे भी टाइम लग जाना है। मैं आरा से आ रही हूँ जी। अच्छा, कितने बजे चले थे घर से? मैं 2 घंटे पहले चली हूँ, अभी जाके पहुँची हूँ जी। और ये इंटीरियर में था तो आपको टाइम तो लगना ही है, तो फिर बंदे को इतना तो होना चाहिए कि बुकलेट अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो आप इतना कंसिस्टेंट कर सको कि बंदे को आप एंट्री दे सको। BPSC के द्वारा किया गया है कि 1 घंटा पहले पहुंचे। हाँ सर, लेकिन हो ही जाती है लेट, तो आप इतना तो कर सकते हो ना इंसानियत के नाते, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल क्लोज कर दोगे, तो बंदे के 2 घंटे चले जाने हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए थे? दानापुर। दानापुर से कैसे लेट हुआ आपका? वही ट्रैफिक, ट्रक वगैरह वही ट्रैफिक से 10:30 बजे का निकला था मुझे। चलिए, तो देखिए अभी अंदर की ओर झांक रहे हैं कि कोई भी पदाधिकारी हो तो खोले, लेकिन अभी 11:45 हो चुका है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहां पे, जो स्टूडेंट हैं, जो BPSC के कैंडिडेट हैं, ये अपनी परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए बेबस हैं क्योंकि समय से ज़्यादा ही हो चुका है और अभी तक यहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया है। अब इसको लेकर के ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र पर हमको जाने दे और परीक्षा देने से हमें रोका ना जाए। लेकिन अभी आपको बता दें किस तरह से यहाँ जो परीक्षा केंद्र पर यहाँ पे सावधानियाँ बरती गई है, क्योंकि कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर अगर आप हैं तो वहाँ 144 धारा लगा हुआ, 100 मीटर के दायरे में ना रहें। लेकिन अभी आपको बता दें कि जिस तरह से पटना के ये मीठापुर है और मीठापुर में देखिए BD कॉलेज है और यहाँ से जो तस्वीरें हैं क्या कुछ निकल कर आएगा रिपब्लिकन वो भी दिखाएगा, लेकिन अभी तक किसी को एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है और 11:05 में गेट बंद हो गई थी। इसको लेकर के काफ़ी बच्चे यहाँ पे परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। अब ये देखने की बात है क्या ये लोग का जो अब परीक्षा से मुक्ति मिलेगी या फिर परीक्षा देने के लिए जाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब तो गेट नहीं खुलने वाला है, थोड़ी देर में ही 15 मिनट के बाद ही बुकलेट बंटने वाला है और परीक्षा 12 बजे से शुरू हो जाएगी। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बना रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर, धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।